हेलो एवरीवन, मैं चिराग आपके सामने लाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग से एक नया ट्यूटोरियल। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी नए ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ऑनगोइंग कीवर्ड इवैल्यूएशन। ऑनगोइंग कीवर्ड इवैल्यूएशन आपके एसईओ एफर्ट्स के लिए, मतलब उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। अगर जैसे हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सर्च इंजन में एक कीवर्ड टाइप करते हैं और उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी कीवर्ड के थ्रू डेटा को देख सकते हैं, बट हम ये नहीं पता लगा सकते कि कीवर्ड हमारे लिए एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब वर्क कैसे करते हैं। जब हम दोस्तों टारगेटेड कीवर्ड की रैंकिंग करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं जो ट्रैफिक है जो हमारे पेजेस की तरफ आना शुरू हो जाता है, तब एज ए रिजल्ट सर्च इंजन रैंकिंग को यह देखना होता है कि टारगेटेड कीवर्ड कन्वर्जन एक्शन और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को सही में रीड करते हैं या नहीं। दोस्तों, इसके बाद इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर आप मेरे वेबसाइट के कंटेंट में कीवर्ड ऐड करते हैं, इससे आपकी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और साथ ही आप दोस्तों इस बात का भी ध्यान दें, जब आप कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं, आपको उन वर्ड्स और फेसेस का यूज़ करना चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में यूज़ करते हैं, जिससे ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से सर्चिंग में आ जाएं। दोस्तों, आप जो है सर्च इंजन विजिबिलिटी में कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी साइट की सर्च इंजन क्या रैंकिंग है। तो दोस्तों, इस तरह से राइट विजिटर को अपनी साइट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए राइट कीवर्ड फ्रेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपको कुछ ऐसे कीवर्ड भी मिलते हैं, वो न केवल आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ये उन कीवर्ड के साथ स्वैपिंग कर लेते हैं जो आपकी साइट की तरफ ट्रैफिक को इंक्रीज करते हैं। लेकिन ऐसे कीवर्ड को पता लगाने के लिए आप पेड सर्चिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आप गूगल एडवर्ड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गूगल एडवर्ड का फ्री अकाउंट कैसे बनाएं, और बिंग एड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप थोड़े टाइम के लिए उन कीवर्ड को भी परचेस कर सकते हैं जिन्हें आप इवेल्युएट करना चाहते हैं, और साथ ही उनके बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करके ये भी पता लगा सकते हैं कि कीवर्ड आपके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्पफुल हैं या नहीं। दोस्तों, ये प्रॉक्सी बहुत अच्छी है जो आपको बिना लॉस अपॉर्चुनिटी के आपको, मतलब कीवर्ड परचेज करा देती है, जिससे आप थोड़े टाइम के लिए परचेज करके आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि SEO वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि SEO में आप कीवर्ड सेट कर दिए, अपने बिजनेस में कीवर्ड सेट कर दिए, तो वो उस पर काम करना बंद कर देते हैं। जब वो कीवर्ड सेट कर देते हैं, तो उस समय के लिए सर्चिंग पर तो उनकी वेबसाइट
अच्छी चलने लगती हैं, आ जाती है, बट वो काम करना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से उनकी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे हो जाती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसे आपको मेंटेन करके रखना होता है। और दोस्तों लोग जिस तरह से सर्च इंजन का यूज़ करते हैं वो भी चेंज होता रहता है। जो कीवर्ड रिसर्च 1 या 2 साल में चेंज हो जाता है और हो सकता है वो अब वैलिड ना भी हो, तो आप जो आप रिविजिटिंग करते रहें आपको इस बात का ध्यान रखना है वहाँ कीवर्ड रिसर्च में कोई गलती ना हो। और इन गलतियों से बचे रहने के लिए आप न्यू कीवर्ड अडेप्ट कर सकते हैं और कीवर्ड की टेस्टिंग कर सकते हैं और रेगुलरली अपने कीवर्ड को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कैसे टारगेट कीवर्ड बिजनेस के ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने ऑनगोइंग कीवर्ड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो मेरी वीडियो में अगर आप कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।